स्टेज पे विराजमान बहुत ही सत्कारयोग श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान साहब सत्कारयोग सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जी उन्होंने नाल विराजमान श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर मीत प्रधान अटवाल साहब ते गरेवाल साहब सत्कारयोग शरणजीत सिंह जी ढिल्लों जी जिन्हां दी बदौलत अज आपां सारे ही इत्थे छपार दे मेले ते हर साल वांगू उन्हां दी आमद ते इत्थे इकट्ठे होए आ मेरे वड्डे वीर अयाली जी सत्कारयोग जिले दे प्रधान साहब शिवालिक साहब स्टेज ते विराजमान सारी श्रोमणी अकाली दल दे जिम्मेवार अहुदेदार साहिबान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहिबान बहुत वड्डी गिनती च आई श्रोमणी अकाली दल दे रीढ़ की हड्डी मेरे नौजवान वीरों बुजुर्गों मावां ते भैणों गज वज के फतेह प्रवान करनी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिथे मैं अयाली साहब नूं ते जिले के प्रधान साहब नूं इस गल दी भी वधाई देना कि ऐन अखीरले मौके ते सारे कीते हुए प्रबंधा नूं छड्ड के मीह दे कारण इस पैलेस च इकट्ठ करना पिया मगर फिर भी ना घबराउंदिया होया मैनू भी यह लगता सी कि इन्नी मीह च हुण प्रोग्राम होना नहीं मगर ये प्रोग्राम मेले की याद में एडे अटल सी कराउण च कि मैनू कहिंदे भाजी जो मर्जी हो जाए तुसी आउणा जरूर है ते गज वज के लोग भी आउणगे जिन्ने क फिट हो सकते हैं। मैनू लगता पैलेस वाले नूं भी अज हो गया होना कि पैलेस तो मैं छोटा समझदा सी बन वड्डा गया जिन्नी कपैसिटी वह समझदा सी उहदे नालों तीन गुणा वध बंदे तुसी फिट करते आ इसलिए थोड़ा बहुत बहुत थोनू वधाई है। मेरे वीरो मैनू ये नहीं समझ आउंदी कि कहड़े लफ्जा नाल मैं श्रोमणी अकाली दल दे जजारू वीरां दा भैणां दा मैं धन्नवाद करां क्योंकि एडी वड्डी लड़ाई तुसी लड़ के आए हो किसी होर ने और लड़ाई लड़न की हिम्मत नहीं की। जदों पता होवे को गुस्सा ना कर दे पुलिस दे वीर मेरे कई अफसर चंगे बड़े होंदे आ मगर कई अफसर ने कारगुजारी माड़ी भी बड़ी विखाई है। जे को कानून शांति अमन पसंद बंदा होवे ते एक अधिकार है सानू साडे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिता कि असी इलैक्शन लड़ सकते हैं असी वोट पा सकते हैं असी अपनी गल रख सकते हैं असी आप दी कत्तरता कर सकते हैं मगर पहली बारी वेखन नूं होया इंदिरा गांधी तो बाद जा 1975 च एमरजेंसी लगी सी ते जा मैं कह सकदा हुण 2018 च कैप्टन अमरिंदर सौ ने एमरजेंसी लाने की कोशिश की है। अब फरीदकोट की रैली सी ते जाखड़ की कहिंदा सी कहिंदा पिंडा च नहीं वड़न देना असी पंज कोसी सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ते श्रोमणी अकाली दल दे जजारू वीर पंज कोसी जाखड़ का पिंड है उत्थे गए ते जदों जाके जाखड़ का पुछया ना ते जाखड़ लब्बे ते नहीं लभदा सी कई कहिंदे सी मंजे थले लुकिया फिरदा सारा वेखण तो बाद पता लग्या पिंड छड के उस दिन भज गया सी जे एडी वड्डी गल कहती सी जाखड़ साहब एडी वड्डी फड़ी मारती सी फिर आपदे पिंड ता हिम्मत करदे उत्थे आपदे पिंड ता रह के विखाउंदे फिर चैलेंज अगला देता कि अब होर कट नहीं होना
मेरे वीरों मैं बधाई देना थानू कि ठाठा मारदा कट तुसी अबोर च कीता ते मैनू बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा एक नवा पंथ तैयार करता है इंदिरा गांधी दी कांग्रेस ने। जदों सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ते बादल साहब दीआं गड्डियां जांदियां सन आज जिवें रेलिंग जी लाई है ना उस तरह एक पुल उत्ते गड्डिया ने चढ़ना राही एक सी ते कुछ पुलिस वाले वीर एडे सियाने सी क्योंकि उन्होंने भी मजबूरी है जे अबोर रहना तो वह फोटो करवानी बड़ी जरूरी सी। दूजे पासे वो ट्रैफिक बंद करता ते कुछ कालिया झंडिया च जेडे मूरले सन वह तो जरूर पंथक लगते सन ते मगरले तो रोडे पोडे ही सी जे ध्यान नाल वेखो तो झंडी विखाउंदे सन अज तरह जोड़ जोड़ दी। ते मैं एक पुलिस वाला मैनू भी जानता सीगा माझे च हुंदा सी फिर उत्थे खड़ा सी पुल ते ते मैं कहा तू बड़ी आ की कम करवाउंदा कहिंदा जनाब मजबूरी है जे फोटो ना ना अज लवाउंदे ते सवेरे सारे पुलिस वाले सस्पेंड हो जाने सन क्योंकि जाखण दा हुक्म सी कि विरोध करदियां दी फोटो जरूर लवाउणी। जिवें विआह ते जाईदा ना अठ दस कैमरे वाले इही जी स्टेज ते बैठे हुंदे जिन्हां दा विआह हो रहा हुंदा उह तां उधर तां बड़े खुश हुंदे आ मगर बाद च कम औखा ही है विआह वाला पुराने जमाने दे नहीं ना रहे नवें विआह ते बड़े औखे निभदे आ मैं लाया साहब ते उह फोटो वाले भी कैमरे लाई खड़े हुंदे उह कहिंदे सिद्धा वेखो जी सिद्धा वेखो बंदा इहनू वेख रिहा हुंदा इधरला आवाज़ मारनी शुरू करदा सिद्धा वेखो जी सिद्धा वेखो। मैं महसूस करता हुंदा कि एडा विआह ते जोर नहीं लग्गिया हुंदा जिन्नी फोटो खिचाउण च जोर लग जांदा बंदे दा। उह हालात इन्हां ने उस दिन बनाए फिर वेखो एडी घबराहट कि फरीदकोट रैली ते बैन ही लाता कि उह रैली हो नहीं सकती। मैं धन्नवादी आ हाई कोर्ट दा जिन्हें छुट्टी वाले दिन 9 घंटे सुनवाई करके लोकतंत्र दा कान होने तो बचाया ते ठाठा मारदा कट रात 9 बजे ऑर्डर आया ते सवेरे 11 बजे उत्थे कट हो गया। लोग एडी वड्डी गिनती च आए कि कांग्रेस भी बांदल गए कि जे हुण ना ना कागज चकाए ते घरे बिठा देणगे अकाली सानू। वो कहिंदे जदों देश नूं खून की लोड़ पै जे ते हामी हस के भरी आ पंजाबियां ने जदों जदों जुल्म दी नदी विच कांग आए छाला मार के तरी है पंजाबियां ने जद भी देश नूं जे चारे पासिओं आई किथे गोली सब तो पहला हिक ते जरी है पंजाबियां ने। ते मेरे वीरो ए ओ बहादुर काम है जिन्हें 80% कुरबानी दिती है जिन्हां ने सब तो वध नाश दे भंडार च योगदान पाया ते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं किते ना किते मैनूं लगदा इंदिरा गांधी दे दर्शन होण लग पए सी कि उन्हां नूं दबाउण दी अकालियां नूं कोशिश करदे सी। ते प्रभो मैं इस गल दा जिथे तुहाडा धन्नवादी हाँ कि जिहड़ा ऐदकी कागज़ भरन जांदा सी ना जिला परिषद ते ब्लॉक समिति दा उहनूं इह नहीं पता सी कि मैं शाम नूं घरे मुड़ांगा कि नहीं मुड़ांगा। हालात इह जे बने सन मगर फिर जो हिम्मत ते जो जज्बा तुसी लोकतंत्र नूं बचाउण लई विखाया मैं उहदे अगे थोड़े अगे सीस नवाउना नतमस्तक हुंना तुहानूं सलाम करदा कि एडी वड्डी हिम्मत विखा के तुसी इलैक्शन दे प्रोसैस नूं बचाउण दी कोशिश कीती है। इक पार्टी होर इत्थे तुरी फिरदी है ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਈ ਫਸ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੋਲੇ ਵਾਲੇ ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਆ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੱਟਦਾ ਜੀ ਝਾੜੂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੀਲੇ ਤੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੁਣ ਤੀਲੇ ਤੀਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਸੀ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਇਹ ਝਾੜੂ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ
क्योंकि जे वोटा पै जांदिया ते मेरा यह मानना है कि वड्डी जित श्रोमणी अकाली दल दी ते भारतीय जनता पार्टी दी होनी सी। जे कांग्रेस नूं इन्ना कॉन्फिडेंस सी आपदी गल ते ते मेरे वीरो कागज पहला उड़ाउण दी लोड़ क्यों पैगी। हल्के दे हल्के साडे तरन तारण दे तीन हल्के सी पट्टी तरन तारण ते खेम खरन जिथे एक बंदे नूं भी आ कागज भर नहीं दिता पहले ही कागज उड़ाते। कई डेरे बाबे नानक च भी होया जिडे ये इन्हां दे कहिंदे कहाउंदे वजीर सन उन्होंने सब तो कागज उड़ाए पहला। आ इत्थे भी थोड़े एरिए च भी बड़ी खबर आई आ मोगे च भी आई जीरे च भी आई। कहण दा भाव कि जे काम कहिंदे होण अमला ते नबेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी। जे काम चंगे हुंदे ते कागज उड़ाउण दी लोड़ ना पैंदी हिम्मत नाल इलैक्शन लड़दे। मगर पता सी काम तां कीता कोई नहीं गप नाल गड्डी चलनी किन्ना चिर सी डेढ़ साल तां टपा लिया झूठ मार मार। हुण तां टैस्ट दी घड़ी सी लोकां ने विश्वास नहीं करना सी ते कागज उड़ाउणे पै गए। कोई एडीसी साहब सी की नौ जी मोके वालिआं दा गरेवाल गरेवाल साहब ही सन जिन्हें तीन एमएलए दे खिलाफ लिखती देता कि मैनू इन्हां दी जान तो मेरी जान नू इन्हां तो खतरा। एक मोगे वाला एमएलए एक दूजा एमएलए आ बागे पुराने वाला उहदी तां गल समझ नहीं आउंदी पता नहीं बोलता की हुंदा फुर 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 करी जांदा हुंदा सारा दिन। एक एक एमएलए होर दी गल करदे सन मैनूं लगदा बागे उह दूजे धर्मकोट वाले दी कि इह तिन्हां ने मेरे ते दबाव बनाया कि कागज रिजैक्ट कर नहीं तो तेनू जीन नहीं देवांगे। हालात तो यह जे बन गए सर। फिर जिन्हां दे कागज बचे भरावो इलैक्शन तो वाकई मैं यह जी खतरनाक इलैक्शन नहीं वेखी। कहिंदे सी जी 50% धीआं भैणां नूं रिजर्वेशन देती है कहिंदे सी नहीं कहिंदे सी कांग्रेसी। तो जदों जिथे कागज भरन जाना सी उत्थे बाहर फोर्स इन्नी लाई हुंदी सी छोनी बनाई हुई सी ते अखबार वाले वीर भी गुस्सा ना कर दिओ थोड़ा भी ऐद की उन्होंने थोनू भी गुमराह करता। अखबार वाले वीर ऐ समझते सी कि सख्ती बड़ी है कि चिड़ी नहीं फड़कन दे दे बिल्कुल नेड़े तेड़े ते जेड़ा कागज अंदर भरन जांदा सी ना वह जानता सी जां वह जानता सी जां उहदा रब जानता सी कि अंदर हुंदी की सी। वह बेचारियां धीआं भैणां जिन्हां ने पहली बार इलैक्शन लड़ी है जे घर वाला भी जान जांदा सी वह पुलिस कह दें सार जी तुसी कैंडीडेट हो वह कहिंदी नहीं कैंडीडेट तां मैं फिर इहनूं बाहर कर दिओ। वह कल्ली जांदी सी अगे पौड़ियां ते 100-100 कांग्रेस का गुंडा बैठा हुंदा सी ते बीबी नूं कहिंदे बीबी तू की करन आई है। वह बेचारी ने की कहना जिन्हें पहली बार इलैक्शन लड़ी है वह कहिंदी जी मैं कागज भरावणा ही आहा किहड़ा तेरा जोन। वह कहिंदी जी मेरा जोन डेलो जोन आ कागज विखा। जदों कागज विखाउंदा सी विखाउंदी सी उदों ही पता लगदा सी कागज पाड़े ते कांग्रेसी पार गया। वह बेचारी खलोती दी खलोती रह गई सी दिन अखीरला सी। कईआं नूं उस तरह गुमराह करता जे उस हालात चों भी कोई बच के आ गया इलैक्शन च खलो गया। आ मेरे हल्के च है उहनां ते मेरे खास बंदिआं ते एससी एक्ट शड्यूल ट्राइब एक्ट फिर उत्तों 326 452 कोई 307 कोई धारा यह जी नहीं छड़ी जेड़े जेड़ा दे कागज बच गए सी फिर उन्हां दाले दुआले वह धारावां लातियां कि ये वोटां मंगण ही ना जाण हल्के च ना फिरन। मैं गल ठीक कह रहा कि गलत कह रहा हालात यह जे बने कि नहीं बने ते जे वह हालातों तो भी कोई बच गया फिर जिस दिन गिनती होंदी सी रहिंदी खुंदी कसर उस दिन करती। जे कोई 10-20 ते अकाली जितदा सी ना इह कहिड़ा वोटा 20-40 हज़ार पै रही सी किसे ने 3-3 हज़ार ते जितना सी या 5 हज़ार ते जितना सी। जित तां हार 100 दे अंदर अंदर ही होनी सी। वह जे अकाली जित जांदा सी उहदी देह तेरे दी देह तेरी दबार तों गिनती करा दबार तों गिनती करा। जद तक वह 100 ते हरा नहीं दिंदे सी उहनूं उदों तक गिनती नहीं प्यो दी पुत मुकदी सी तद तक पंजे वाला निकल ना जावे। इन्हां हालातों च भी तुसी ओनिया ही सिट्टा जित के आए हो जिन्नियां कांग्रेसी
2009 च ते 2014 च जे थोड़ी सरकार सी जीती कहण दा भाव कि उदो इलेक्शन फ्री होई सी मगर उदो कांग्रेस नूं कामयाबी नहीं मिली। इन्हां हालातां दे बावजूद भी करफ्यू लगन तो बाद भी लोकतंत्र दा कान होण तो बाद भी तुसी फेर सीटां उन्नियां लगभग जिला परिषद ते ब्लॉक समिति जित के आए हो मेरे वीरो। इसलिए दिल ना छड्डो, जित तुहाडे दरवाजे अगे खलोती है। कल्ला हिम्मत ते आप दे निशाने ते जो लोकां दी सेवा बनती है उहनूं लै के चलते रहो ते मेरा मानना जित आउण वाली पार्लीमेंट च तुहाडी होणी। हाँ, जित इक दी होई, लोकतंत्र हार गया ते डंडा तंत्र जित गया। ते मैनू अज पता लग्या सुखबीर जी, कांग्रेसियां ने फैसला ही कर लिया कि हुण जिले प्रधानां दी लोड़ नहीं रवेनी, उन्हां ने सारे एस एस पियां नूं आपदा जिला प्रधान ला देना, क्योंकि जिते तो एस एस पी है जिन्हां ने गलत काम किया। अज जिवें थोड़े वाला की ना उहदा अपना की ना दस्सिया सी जी, वह थोड़ा भारा जिहा गुगल जिहा गोलू जिहा बोलू जिहा ढेसी, मैनू कई पुलिस वाले जिहड़े सियाने वीर आ उन्हां दा फोन आया। तुसीं वेखो वह पुलिस वाले का भी, वैसे तो बाल साहब रब सुख रखे उहदी इनकुआयरी, चलो जिहड़ा उन्हें डेमोक्रेसी का लोकतंत्र का घान किया बूथ कैप्चरिंग उन्हें आप कराई है। हले तो मैं कहना नहीं चाहता, तुसीं वीडियो बना लैंदे हो, मगर समा आ लैण दे, इन्ना प्यार देवांगे उन्हूं, इन्ना प्यार देवांगे मित्रा, उन तो सवाया नहीं जाना उस प्यो दे पुत कोलों। ते मैं लुधियाने वाले थोनू भी कहना, तुही थोड़ी वध पढ़ी लिखी गल कर जन्ने होने हो, बाली पढ़ी लिखी गल तो चलो करनी चाहिए, मगर जिन्हां जेड़ी भाषा समझ आवे ना, फिर माड़ी जी लिस्ट भी हुण बना लिओ। सुखबीर जी ने तो लाल डायरी लाई है, तुसी भी पीली नीली डायरी एक ला लिओ। मैं थोनू दसा जो साडे अर्गे नूं उदों याद करा दिया करो, इन्हां नूं इह जिहा प्यार देवांगे, इह जिहा प्यार देवांगे कि मुड़ के यह जे अफसर कदे लोकतंत्र का कान करन दी कोशिश नहीं करनगे। मेरे वीरो मैनू दुख नाल कहना पैंदा, साडे हलके च कोई तुसी ऐ ना समझ लिओ मैं जितया, मैं बिल्कुल नहीं जितया। जितया तो सच्चे पातशाह ने बख्शिश करती, साडा तो वह आला लल्लू करे कवली, रब सिद्धियां पावे। टिल का जोर ला लिया मेरे वर्गे नमाणे ना चीज इंसान नूं हराउण नूं, तुसी हैरान होंगे कि सिखां दीआं पग्गां लाईआं गईआं, उहनां नूं दाढ़ी ते केसां नाल धूआ गया, साडे दलित वीरां नूं अपमानित किया गया, जाति सूचक लफ्ज वरते गए मेरे कैंडीडेटां दे खिलाफ, कि इन्हां नूं इस तरीके नाल डीमोरलाइज कर दिए कि इह अगे उत्थे बूथां ते खलोण जोगे ना रहण। मगर मैं सलाम करदा थोड़ा एक एक वर्कर नूं करदा सारे पंजाब च, एक एक उस कैंडीडेट नूं करदा जिहड़ी एडी आंधी अंधेरी वगदी सी, मगर फिर भी तुसीं छाती डाह के खलोते ते लोकतंत्र नूं बचाउण दी लड़ाई लड़दे रहे। मैं यह भी बेनती करदा कि राहुल गांधी की थां भी कोई पुलिस वाले नूं इह प्रधान ला देण कांग्रेस दा, ते शायद इन्हां दे रिजल्ट ठीक हो जाण, क्योंकि राहुल गांधी ते जिथे जांदा उत्थे कांग्रेस दा तां भोग पाई आउंदा। आ मेरे हल्के च भी आया सी हैलीकाप्टर, माझे चो 25 हल्कों चो कल्ले मजीठी उतरिया सी आके, ते मौसम फिर उस दिन इहो जिहा वधिया बनिया सी, ते मैं बयान देता, मैं कहा वेखी रब्बा इहदा हैलीकाप्टर उतर जाए किते रह जाए ते मेरा काम ना खराब हो जाए। कांग्रेस ही गुस्सा कर गए कि दसो साडे प्रधान बारे पुठा बोलता, मैं कि माड़ा बोलिया, मैं तो यही कहा कि इहदा हैलीकाप्टर उतर जाए किते मौसम खराब करके रह ना जाए, क्योंकि मैंने तो आपका पाड़ा सोचता सी, क्योंकि इहदी बख्शिश ही रब ने यह जी की है कि जिथे ये चरण पै जाते उतों का कांग्रेस का सफाया ही हो जाता। तो मेरे वीरो आया 25 हल्कों तो माझे च मजीठी आया तो काम कर गया आपका। उतों बाद सुखबीर जी थोनों याद होना थोड़े हल्के च गया सी, थोड़ी भी गड्डी वधिया गल बनाया, मुड़ के लंबी गया सी
ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਐਨ ਸਫਾਇਆ ਭੋਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਲੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇਹ ਜਾ ਤਾਂ ਖਲੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਐਮ ਪੀ ਜਿੱਤਣੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਛੱਡ, ਡੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਛੱਡ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਮਗਰ ਚਲੋ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਐਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਰੌਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਟੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਦੇ ਅਸਮਾਨ ਡਿੱਗੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਤਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਉਹ ਹੈਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਗਏ ਦੋ ਚਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੱਲ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਭਲਾਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ। ਆ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਇਹ ਭਾਊ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ? ਕਦੇ ਲਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜੂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਬਚ ਜਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਵੋਟ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਡਿੱਗਣੀ ਫੇਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਆ ਭਲੱਥ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਦਾ ਭਾਈਆ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਇਹਨੇ? ਇਹਦੇ ਭਾਈਏ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਭਾਈਏ ਦਾ ਨਾਂ? ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਚੰਨਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਹੋਊ ਟੀ ਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਤਾ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਉਦੋਂ ਰਾਣਾ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ। ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਲਾਇਆ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਇਹ ਭਾਊ ਦਾ ਭਲੱਥ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ 4-5 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਗਨਮੈਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪੀਏ ਮਿਲ ਗਏ, ਵਾਹਵਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂ? ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੂ? ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਭਲੱਥ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ? 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਠੀ ਅੱਡ, ਗੱਡੀ ਅੱਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ? ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਬਿੱਲ ਬੱਤੀ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਕੱਲਾ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਉਲਟ ਜਾਪਦਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਲਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਨੀ ਚੋਣ ਕਰਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਚੱਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਡੇ ਕਿਰਤਕਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਓਡੇ ਕਿਰਤਕਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਤੇ ਡੰਡੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਕਿੱਲੇ ਵਾਈਜ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਐਡੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ 28,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ, ਅੱਜ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਗਏ, ਕਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ 20,000 ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? 700-800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ 20,000 ਕਰੋੜ? ਮਾਰਕੀਟ ਫੀ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਫੀ 3,000 ਕਰੋੜ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਕੱਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ 6,000 ਤੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤੇ 30 ਰੁਪਈਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਤੇ 20 ਰੁਪਈਏ 22 ਰੁਪਈਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ
सूबे की सरकार सवेरे घटा सकती है जेडे टैक्सा के रूप से इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए मांग करता है कि अज शाम या कल सवेरे तक जी कैबिनेट इन्होंने सदनी है वह सद के दूजे सूबे वांग जिमें सब तो वध टैक्स ला रहे हैं आपके टैक्स न अदा करते हुए लोगों को फायदा पहुँचाने की गल कर। जे सहमत हो तो जकारा छड़ दो, जे नहीं सहमत है तो फिर ठीक ही ठीक है। जे पंजाब च सब तो वध टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से, जे अज हिंदुस्तान च सब तो वध टैक्स पंजाब की सरकार ला रही है तो थोनू गुमराह कौन प्रचार कर रही है। फिर 450 करोड़ रुपया आज सबसिडी सेंटर ने दी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वास्ते, भावें वह ट्रैक्टर है बेलर है होर कोई चीज़ कोई भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वो सारी सबसिडी सेंटर तो आई तो सूबे की सरकार वो सबसिडी खा गई है। किसानों नू किसे नू मिली लुधियाने का पता कर लो, जे किसी किसान को पहुंची होवे एक किसान को नहीं पहुंची। 1000 करोड़ रुपया गन्ने का किसान का बकाया है। मेरे वीरों वो किसानी अज किसान नू कहिंदे असी तंदुरुस्त करना चाहते हैं किसानी की बांह फड़ना चाहते हैं, मगर 1000 करोड़ जिहड़ा बकाया है वो किसानी नू देण दा मन नहीं कर रहे। इस तरह आ होर भी मार्केट फी की मैं गल करती, बड़े इस तरह कई यह जे मुद्दे ने सुखबीर जी खुल के विचार रखे। मैं तो अखीर से यही बेनती करता कि आ जेड़े वजीर तीन चार तुरे फिरते हैं तो एक नवा गुंडा इत्थे आ गया आ की नौ जी थोड़े एम पी का बिट्टू आ तुसी पता नहीं बोलते सी कौन बोलता सी आ बेअंत सिंह ने भी कम कोई चंगे तो किते नहीं, किन्ने मुंडे मराते अपने ते इन्ने वड्डी गिनती च भरा भरा दे सिख मारू जंग, मैं कह सकदा भरा मारू जंग, एक दूजे नू हालात हो जे दे बनाए कि धी पुत साडे मरे ते अज इन्हां तो कोई आस रखी जा सकती है कि इन्हां ने कम चंगा करना। की कहिंदे सी कैप्टन अमरिंदर ने सहुं चुकी हर घर एक नौकरी पक्की, जदों बिट्टू आवे ना थोड़े हल्के च उन्हों कई कैप्टन ने सहु तो साडे न्याणे बारे चुकी सी तो तू लवा लिया आपका भरा लवा लिया कि नहीं लवा लिया दसो मैनू। तो तुसी मैं हैरान होने कि जब यह जे आउंदे आ इन्हां नू कल्ले काली झंडिया नाल नहीं इन्हां नू घेर के क्या करो कि साडा हक इत्थे रख। इहदा भरा एक तो इन्हां तो लोड़वंद कोई साडे जिले च थोड़े च होर कोई नहीं होना हैगा कोई कि नहीं है, मैं लगता इन्हों तो लोड़वंद कौन है। एक मुंडा एम पी बिट्टू एम पी और लिट्टू एम एल ए गुरकीरत सौ तो एक टीटू रह गया सी घरे कातिया कांड वाले, मैं हैरान हो गया। ओदी उम्र भी वध गई, उम्र का भी वो लिहाजा कर लिया कि कोई ना उम्र तेरी वध गई, थोड़ा मुंडे की उम्र वध गए तो कहणगे नौकरी नहीं मिल सकती। इन्हां दी वधे उम्र का भी लिहाजा पढ़ाई का भी लिहाजा ते ओ हो गया डिप्टी भर्ती, ते थोड़े मुंडिया का की बनया थोड़िया बेटिया का की बनया। ते जेड़े अज ये लोग आउंदे आ थोड़े कोल आली साहब मैं थोनू वधाई दिना, वो थोड़ी जी चर्चा चलती सी कि तुसी नरम रहिंदे सी उन्हां वल आ हुण धौण पड़ने कहिंदे ऐतकी सख्ती कीती है थोड़ी जी अगली वारी पूरी सख्ती कर दिओ, साफ दे के जाना पैना लोगों का हक मारिया इन्हां ने किसी होर का हक नहीं मारिया। पहला नौकरी थोड़े न्याणे नू मिलदी ते फिर आपके भरा नू भी लवा लैंदा तो मजीठिए नू दुख कोई नहीं होना सी। इसलिए मैं इन्नियां बेनतियां करदा होया ढेसी अर्गियां नू कहूँगा ते कांग्रेस पार्टी नू कहूँगा कि इहनू एस एस पी ला के रखियो, ये जिन्ना चिर कांग्रेस रहनी है उन्ना चिर ही इहने एस एस पी मिल रहना, मुड़ के तो रब वल्लों इहनू प्यार इहना दवा देना लोगों कोलों कि पता नहीं इहदा एस एस पी रहण नू भी जी करना कि नहीं करना। लोकतंत्र का कोई कहान करूगा श्रोमणी अकाली दल डट के उहदे खिलाफ लड़ाई लड़ूगा। थोड़ा सब का बहुत बहुत धन्यवाद, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। लुधियाना तो गुरमीत निज्जर की रिपोर्ट, कैमरामैन सरबजीत पनेसर के नाल फॉक्स डॉट पंजाबी यूर सिटी यूर न्यूज़।